नमस्कार। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की रणनीति को लेकर के इस YouTube चैनल पर मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन आज जो वीडियो डालने जा रहा हूं वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं आरएस की, और आरएस प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, शून्य से उनको शुरुआत करनी, उन लोगों के लिए वीडियो है। इसलिए अगर आप पहले मुख्य परीक्षा में बैठ चुके हैं तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो नए हैं और जिनके समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी करें तो कैसे करें। तो जो कैंडिडेट नए हैं तो सबसे पहले तो आपको प्राथमिकता तय करनी होगी भाई मुझे तैयारी करनी ही है इस एग्जाम की, मनोबल जोश बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा आपको मानसिक रूप से मजबूत होना इस चीज़ के लिए कि मुझे बहुत ही कठिन परिश्रम करना है और जो हार्ड वर्क है, कठिन जो परिश्रम है उसका कोई विकल्प नहीं होगा। दिलो दिमाग के अंदर ये बात बैठा नहीं है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तैयारी कैसे करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा आरएस के एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो होते हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अगर आप नए हैं और आपको लग रहा है कि कैसे तैयारी करें तो दोस्तों सबसे पहला मेरा सुझाव है राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है वो किन बातों से मिलकर के बनता है। राजस्थान में संपूर्ण जो जिले हैं, आप जैसे नागौर के रहने वाले हो तो नागौर का प्राचीन इतिहास क्या है, नागौर का मध्यकाल में क्या योगदान है, नागौर का आधुनिक भारत के अंदर क्या योगदान है, नागौर के अंदर कौन से मंदिर है, कौन से बांध है, कौन सी नदी है, जलवायु कैसी है, कृषिगत स्थिति क्या है, उद्योग धंधों की क्या स्थिति है, कौन लोकगीत, लोक संगीत, लोक संस्कृति, कलाकार कौन सा है। तो इस तरीके से अगर आप तैयार करेंगे तो राजस्थान के संपूर्ण जिले तैयार कर लेंगे तो आपका राजस्थान का सामान्य अध्ययन आधे तरीके से तैयार हो जाएगा, लगभग आधा तैयार हो जाएगा आपका, और आपकी रुचि विकसित हो गई। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाते हो, राजस्थान के सामान्य अध्ययन की जो बेसिक चीजें हैं जब भी आप राजस्थान के जिले कर लेंगे, आप तय कर लीजिए रोज मुझे एक जिला करना है। जैसे आज आप बीकानेर जिला लेकर के बैठ गए तो जब बीकानेर जिला पढ़ो तो उस समय आप देखो भी बीकानेर की सांस्कृतिक दृष्टि से क्या महत्व है, ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो इस तरीके से सारे जब जिले तैयार हो जाएंगे तो पूरा का पूरा राजस्थान आपकी पकड़ के अंदर आ जाएगा, और फिर जब आप पढ़ोगे राजस्थान का भौगोलिक विभाजन पढ़ोगे तो उसमें आपके वो की वो चीज़ समझ में आएगी। नागौर राजस्थान के खनिज संसाधन पढ़ोगे तो बीकानेर के संसाधन, नागौर के खनिज संसाधन या किसी पाली के खनिज संसाधन मिलके ही तो राजस्थान के खनिज संसाधन बनेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन जिलों को आप तैयार कर लीजिए, फिर आप लीजिए राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है, राजस्थान बोर्ड की पुस्तक से आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। कैसे बढ़िए कि जैसे आज एक चैप्टर लेकर के बैठ गए राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, और भौगोलिक विभाजन भूगोल के लिए मैं कहता हूँ आप मैप, राजस्थान का जो भूगोल है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, आपके कमरे की दीवार के अंदर लगा हुआ होना चाहिए ताकि आप समझ सके कौन सा जगह या कौन सा जिला या कौन सा स्थान कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर कौन से खनिज संसाधन निकलते हैं, कहाँ पर किस तरीके की मिट्टी है। भूगोल के को मैप से ही समझो, भूगोल को आपको रटना ही नहीं है। तो राजस्थान के सामान्य अध्ययन के लिए राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है वहाँ से शुरुआत कीजिए आप, राजस्थान का भूगोल विभाजन, राजस्थान में मिट्टियाँ, राजस्थान के अंतर्गत खनिज संसाधन, राजस्थान की बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान की प्रमुख नदियां। और दोस्तों नदियां जैसे आप पढ़ रहे हो, नदियां आपको याद नहीं हो रही तो आप चिंता मत कीजिए, एक दिन में याद होगा भी नहीं। आज चंबल याद हो गई तो वापस जब दोबारा पढ़ो तो उसका रिविजन करो, तो आप कंटिन्यूटी के अंदर जब लगातार पढ़ेंगे तब आपका एक दिन कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ने के बजाय सिर्फ एक किताबें पढ़ो, सिर्फ एक विषय की एक किताब पढ़ लो। जैसे आप राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों से शुरुआत करो, जब आपको लगे कि नहीं राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें मुझे याद हो गई है तो फिर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़िए, अगर आपको लगे ही नहीं हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें मुझे याद हो गई फिर आप सूजस की तरह पढ़िए। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। तो राजस्थान के इतिहास के लिए, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड की पुस्तकें वहाँ से आपको शुरुआत करनी है। इसी तरीके से भारत का भूगोल के लिए भी आपको NCERT से शुरुआत करनी है, या भारत का भूगोल के लिए कोई बेसिक जो बुक है जैसे महेश बर्णवाल है पढ़ सकते हैं। और ये भी मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, ये अब तब पढ़नी आपको जब आपको लगे कि भारत का भूगोल एक NCERT की पुस्तक पढ़ चुके हैं, भूगोल के अंतर्गत मैप के द्वारा आपको मोटा मोटी चीज़ें समझ में आ चुकी है। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए,
और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए नाथूराम का पढ़िए, लेकिन वो भी वही बात, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए नाथूराम का भी तब पढ़िए जब राजस्थान से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मूल मूल बातें आपको पता हो जाए। नाथूराम का आपके कब काम आएगी, जब आपको पता है कि भाई रीको क्या है, राजसिको क्या है, आरएफसी क्या है, कब इनकी स्थापना हुई, क्या इनके कार्य है। अब आप जब गहराई में जाना चाहते हैं किसी भी विषय पर, तब आप दूसरी तरीके की किताबें पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत के अंतर्गत मूलभूत पुस्तकें राजस्थान के बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। इसी तरीके से साइंस बात करें तो साइंस के लिए भी आप बोर्ड की पुस्तकें, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वहां से शुरुआत कीजिए। भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसके लिए भी आप बोर्ड की पुस्तक पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया तो साथ में हाई कोर्ट पढ़ लिया, राष्ट्रपति पढ़ा तो साथ में राज्यपाल पढ़ लिया, प्रधानमंत्री पढ़ लिया तो साथ में मुख्यमंत्री पढ़ लिया, पंचायती राज के साथ में शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ लिया। मन के अंदर जिज्ञासा रखिए, जब आप पढ़े ना, जैसे आप पंचायती राज पढ़ रहे तो पंचायती राज आज आपने पढ़ लिया कि साहब पंचायती राज है भारतीय संविधान के अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज का वर्गीकरण है, त्रिस्तरीय ढांचा है, 2 अक्टूबर 1959 को इसकी नींव रखी गई थी, नागौर के बगदरी गाँव के अंदर रखी गई। तो इस तरीके से एक तो साथ साथ में पढ़ते चले जाइए और साथ में नोट्स बनाते जाइए। एक राजस्थान बोर्ड की पुस्तक पढ़ी, उसमें से नोट्स बना लिया, फिर बाद में जब आप कोई किताब पढ़ोगे तो उसमें से वो चीज़ फिर आप डायरी के अंतर्गत तो नोट कर लोगे, क्योंकि बेसिक से शुरुआत करते हो, बाद के अंतर्गत तो आपको किसी पुस्तक और अच्छी पुस्तकों पे जाना है, लेकिन शुरुआत बोर्ड की पुस्तकों से करनी है। और जो पढ़ रहे हो वो नोट्स बना करके पढ़ो। समसामयिक जो मुद्दे हैं उस पर राजस्थान पत्रिका पढ़िए, कोई मासिक जो पत्रिका है, दर्पण है, क्रॉनिकल है या दृष्टि है, कोई भी एक पत्रिका है उससे अपने शुरुआत कीजिए, रुचि विकसित कीजिए। इसी तरीके से अगर इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल मध्यकाल के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आधुनिक भारत के लिए भी स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आप राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनसे शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आपने को आगे बढ़ना है। और इसके साथ में सिलेबस पाठ्यक्रम पर दृष्टि आप डालते रहे कि भाई पाठ्यक्रम क्या है, ऐसा नहीं कि आप यूं ही भटकते जा रहे हैं। तो पाठ्यक्रम जरूरी है, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी देखते रहो, आप जो पढ़ रहे हो, जैसे आपने राजस्थान का सामान्य दिन पढ़ लिया तो फिर देखो कि सवाल किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, उनमें से आपको क्या आ रहा है, वो जो नहीं आ रहा तो देखो भाई क्यों नहीं आ रहा। मैंने राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ ली फिर भी नहीं आ रहा, इसका मतलब राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों से बाहर भी कुछ आता है। फिर आपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक पढ़ ली, जैसे सांस्कृतिक परंपरा जयसिंह नीरज पढ़ ली आपने, फिर भी नहीं आ रहा सवाल, तो इसका मतलब है या तो आपको याद नहीं हुआ या उन पुस्तकों में से नहीं आ रहा। लेकिन उन पुस्तकों में से थोड़ा बहुत 5-10% अगर नहीं भी आएगा दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने के बजाय बहुत ही कम पुस्तकें पढ़ें, एक ही पुस्तक जो है उनको आप बार बार पढ़ें, इस तरीके की आपकी रणनीति होनी चाहिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है, आपको लगे कि राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ ली आपने और विषय पर अच्छी पकड़ हो गई, तो फिर आपको समय समय पर जो टेस्ट सीरीज है उस पर ध्यान देना चाहिए, भाग लेना चाहिए, ताकि परीक्षा भवन के अंदर आप वो गलतियां नहीं करेंगे और समय का जो प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट भी आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो आरएस के लिए अगर बात करूं, आप नए कैंडिडेट हैं तो पहले तो रुचि विकसित कीजिए, सिलेबस पे ध्यान दीजिए, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखिए, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत भाग लीजिए, और यूट्यूब चैनल है या आपके जो मित्र मंडली है जो तैयारी कर रहे हैं उनसे समय समय पे, जो गुरुजन है उनसे आप संपर्क में रहिए और रुचि पैदा कीजिए। बिल्कुल बेमन से तैयारी मत कीजिए, अगर तैयारी करनी है तो रुचि से कीजिए। और समय सीमा ये मत सोचिए कि भाई मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, 5 घंटे पढ़ाई कर ली, इसको समय के अंतर्गत पाबंद मत कीजिए, रुचि से पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए। और जब यूँ लगे कि पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं तो उसमें फिर अखबार पढ़ लीजिए, उस दौरान कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला लीजिए, कोई महत्वपूर्ण तथ्य किसी गाइड में से महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। तो जो आराम है, जो आपका आराम का टाइम है उसमें भी ऐसा पढ़ो जो रुचि कर हो, जिसमें आपको लगे कि साहब मैंने पढ़ा तो है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ दोस्तों, नए हैं आप, तैयारी कर रहे हैं, पशुओं का पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है, जुगाली कर देते हैं, इसलिए आप भी जो पढ़ रहे हैं, आप नए कैंडिडेट हैं तो आपने जो पढ़ा आपको कितना याद हो रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है आप उस जो आपने पढ़ा है उसकी जुगाली कर दें। जैसे आपने अरावली पढ़ा, अब अरावली आपने बुक्स में से पढ़ लिया, अब आप बोलो क्या क्या आपने क्या पढ़ा कि हाँ भाई अरावली है, प्राचीन पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है, प्री कैम्बियन काल की है, खेड़ा ब्रह्म से लेकर के दिल्ली की रायसेन पहाड़ियाँ तक है, गुरु शिखर की ये ऊंचाई हो गई और ये पर्वतमालाएँ और पर्वत शिखर है इसके अंदर, उत्तर अरावली में ये है, मध्य अरावली में ये है, दक्षिण अरावली के अंदर ये है, यहाँ पे ये दर्रा पीपली घाट दर्रा है यहाँ पे, इस तरीके से आप को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आपको बार बार बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप नए हैं तो जोश के साथ में तैयारी कीजिए, मनोबल अपना गिरने मत दीजिए, और आप इन चक्रों में मत पड़िए कि जुलाई में विज्ञप्ति आने वाली है, कि अगस्त में आने वाली है। आप नए हो, आपको तो बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं
पिछले लंबे समय से बैठ रहे हैं वो वापस उसी परीक्षा के अंदर बैठते हैं, तो कॉम्पिटिशन टफ होता है। निश्चित रूप से चयन होगा अगर उचित रणनीति के साथ तैयारी करोगे तो, नए और पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप चूंकि नए हो इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।